सुमेरपुर के तख्तगढ़ नगर में किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी है। किसानों का महापड़ाव नेशनल हाईवे 325 के डोला वीर मामाजी मंदिर में रोका हुआ है। किसानों की मांग है कि बांध में पर्याप्त पानी होने के बाद 4100 MCFT पानी दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 5000 MCFT पानी दिया जाए। करीब 24 घंटे भी जाने के बाद भी किसानों और प्रशासन के बीच में कोई बात नहीं हो रही है। किसानों के अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कलेक्टर की अनदेखी के कारण किसान परेशान है। किसानों का रात्रि पड़ाव गुरुवार को डोलावीर मामाजी मंदिर में हुआ। किसानों के महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस जवान महापड़ाव स्थल पर मौजूद रहे। वहीं किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर नेशनल हाईवे रोकने की चेतावनी दी। और उसके अभी परिणाम बता देंगे, हमें कितना पानी दे रहे हैं। अगर हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो कल से हम महापड़ाव और तेज करेंगे आंदोलन, और हो सकता अंतिम पड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग पे होगा। आपकी क्या मांग है? हम 5000 MCFT मांग रहे हैं, परंतु सरकार उसकी तरफ इतना बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। अब हम तो हमारा तो समस्या ये है कि पेयजल विभाग वालों को क्यों नहीं बाउंड कर रही है प्रशासन कि वो पानी दे नहीं रहे हैं गाँवों में। आपको मालूम ही नहीं, आप मीडिया में हर 3-3 दिन से पानी दे रहे हैं गाँवों में, रोज का पानी आरक्षित रखते हैं। जवाई का 2000 MCF नदी में बहा दिया पानी, उसका कोई ना कोई तो जिम्मेवार ले, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए प्रशासन को। सब किसानों के ऊपर ही करना चाहते हैं। पिछली बार 3000 MCF ले गए, वो भी नहीं ले पाए, अब कहते हैं हमें 3500 MCF चाहिए। आपकी मांग? मैं किसान संघर्ष समिति से महिला मोर्चा से महामंत्री संतोष प्रजा, हमारी मांग एक ही है कि हम किसान एक ही मांग पर अड़े हैं कि 5000 MCF हमें पानी चाहिए, और प्रशासन बोल रहा है कि अभी 4100 कभी 4300 कभी 4400 बता रहा है। अगर हमारा मांग के अनुकूल डिसीजन नहीं आता है तो हमारा धरना प्रदर्शन आगे चलता रहेगा।